हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टियरिंग डाउन। आज हम, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, फिर भी बता देता हूँ, हम कर रहे हैं टियरिंग डाउन ऑफ हमारा प्यारा साइड मिरर, जो पहला कुछ इस तरीके दिखता था और टूटने के बाद कुछ इस तरीके का दिखने लग गया। तो ये टियर तो हो गया था, हम इसको पूरा टियर करने वाले हैं अपने फेवरेट औजारों के साथ, जो कि अपना ये बहुत सारे मल्टीपल स्क्रू ड्राइवर छोटे वाले शायद रिक्वायर हो जाए, ये पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, ये टेस्टर पता नहीं क्यों लेके बैठा हूँ, बट कोई बात नहीं, टेस्टर भी यूज कर ही लेंगे कभी ना कभी। और ये इसे क्या बोलते हैं, प्लायर बोलते हैं इसे, इसकी मदद से मजा बहुत आने वाला है। इस वीडियो में लाइक करते रहो और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करते रहो, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बकैती किए, पर अब बकैती अच्छे से करेंगे। तो पहले चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस मिरर के बारे में, कि ये जो मिरर है ना, अगर प्रॉपर परफेक्ट कंडीशन में ये वाला मिरर, तो ये कंपनी का अगर खरीदने जाओगे तो आपको पूरा खरीदना पड़ता है, ये पूरा सेट जो होता है। बट लोकल खरीदने जाओगे तो ये मिरर अलग से मिल जाता है बाहर। तो अगर कभी आपका साइड मिरर टूट जाए तो आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बिल्कुल प्यार से निकाल देना। ओ, ये ज्यादा निकल गया। म्यूजिक ये कुछ इस तरीके का निकल गया, ठीक है। बट ये इसकी लॉक है, इसको मैंने ज्यादा खोल रखा है, हमने चेंज कराया था। इसको ऐसे पकड़ोगे ना, तो इसको प्यार से इधर 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 करोगे तो ये खुलना जिसकी करा रहा है। रुको जरा, सबर करो। देखो, ऐसे पकड़ के इसको घुमाया तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। ये बेसिकली ये इस कारण से खुलेगा, ये देख रहे हो, ये गोल सा, ये 360 डिग्री घुमाता है चीजों को। ये आपके हर उस चीज में मिल जाएगा जो 360 डिग्री घूमता है। तो ये बेसिकली टूटा नहीं है, ये कुछ इस तरीके से वापस लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखा, ऐसे किया, यहां वाला लॉक फिट करो, यहां वाला अपना एक से साले घुस जा। Two hours later. एक से Eight hours later. ये देखो, ये देखो ऐसे लगेगा, ये वापस लग जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये उखाड़ लेना अगर ये ठीक कंडीशन में हो तो, क्योंकि ये 500 रुपीस का होता है पर पीस, और ये 1500 रुपए अगर मार्केट में लगाने जाओगे तो। ये उखाड़ लेना। तो बेसिकली मेरा कैसे टूटा ये समझाता हूँ पहले। कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ ऐसे लगा हुआ मिलेगा और ये रोटेट होता रहेगा। इसके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है मेरे को भी नहीं समझ में आया पहले, फिर मैंने इसको खोला। अब तो मैं खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ एक नट है, उसको खोलो, और उससे पहले यहाँ पे एक नट है, यहाँ तीन नट्स होंगे। अगर तुम्हें उखाड़ना है तो ये तीन नट्स उखाड़ना पहले, उसके बाद ये नट खोलेंगे हम। ये हुआ अपना, ये चीज खोल लिया अपनी। तो यहाँ पे भी दो तीन नट्स हैं जो टूट चुके हैं अंदर से, तीन चार टकराने के कारण यही उखड़ गया। ये जो तीन चार चीजें हैं, ये एक, ये दूसरा, जो कि यहाँ लगे हुए होने चाहिए। सस्ती क्वालिटी, कंपनी का होता तो नहीं होता। इसके अंदर से वैसे वायर निकलती है, यहाँ तक वायर आके जो वायर वाला होता है, इसमें मेरे वाले में वायर नहीं था। तो ये जो पीछे का पैनल था ये खुल जाता है और इसकी जगह दूसरा पैनल लगता है। ये खोल के निकाल देता, knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now तुम्हारा इस प्रकार से पैन खुल जाएगा। ये
इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यहाँ लाइट लगती है, ठीक है, उसके ऊपर वापस दूसरा पैनल लग जाता है, इसीलिए बाहर थोड़ा हल्का बाहर होता है, लाइट बिल्कुल स्लिम नहीं होती, लाइट इतनी ऊपर होती है, इतनी सी थोड़ी ऊंची होती है, समझ लो एक एक सेंटी ऊंची होती है जिसमें लाइट होता है, तो वो इधर से होते हुए जाती है गाड़ी के अंदर, तो ऐसे लगा होता है तो गाड़ी के अंदर से यहाँ से होते हुए निकलती है, इनमें से इधर बहुत सारे तरीके के स्लॉट्स है तो इनके अंदर से निकलती है और इधर इधर से घुस के यहाँ पे ये देखो ये दिखा रहा होगा यहाँ एक छेद है, ऐसे दिखाओ ये देखो यहाँ एक छेद है, इसके अंदर से वायर निकलती है और वो ये जो फिटेड है इधर देखो इधर से आप वायर घुस जाएगी, यहाँ से निकल सकती है वायर आराम से, इतना बड़ा छेद है इसके अंदर, फिर इसके ऊपर ये लगता है जो कि कुछ इस तरीके से लगा हुआ है जो दिख पा रहा होगा, तो यहाँ से वायर का कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचना कोई दिक्कत वाला नहीं। अब इसके ऊपर लगा होता है ये कुछ इस प्रकार का, अब इसका मेन जो मैकेनिज्म है ना वो ये है, सर ये है, वो भाग गया, मेन मैकेनिज्म ये है, इस चीज के पीछे छुपा है जिसमें जो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद खुलता है ना उसके नीचे तो मोटर लगी थी, इसमें मोटर नहीं लगी, इसका पोस्टमार्टम इतनी बार कर दिया ना तो सब आइडिया हो गया मेरे को, पोस्टमार्टम करना चाहिए तुम्हें इस सब चीजों का, खराब चीजों का तो कर ही सकते हो, पहली चीज यहाँ एक कील अटका रखी है इसको निकालना जरूरी है, इसको नहीं निकालोगे तो तुम्हारा कनेक्शन नहीं होगा, अभी तुम्हारी लेंस की तरह इसको प्यार से ऐसे खींच खींच के निकालोगे आधा बाहर निकल जाएगा, देखो धीरे धीरे निकल जाए, अब फास्ट मोशन में देखोगे तुम, It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. इसको होल्ड कर रखा था तब ये उड़ गया था, वरना पिछली बार तो ये उड़ गया था ऐसे चलते, क्योंकि इसके अंदर है स्प्रिंग, इसके अंदर है स्प्रिंग और इसके अंदर है मेन कनेक्शन जो कि तुम्हारा ऐसे ठोकर मारते निकल जाएगा नीचे से, ठीक है, सिनेरियो क्या है कि ये जो चीज है इसमें कीला पड़ता है यहाँ पे और ये कनेक्टेड होता है, जो कि अब बहुत बुरी हालत में हो चुका है तो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को क्योंकि मैंने इसको ठीक करने की इतनी कोशिश की थी, मेन कनेक्शन इसके साथ होता है, ये देखो थोड़ा थोड़ा भी कनेक्ट हो रहा है, वैसे तो सड़ी गड़ी हालत हो गई, इसके ऊपर मैंने पता नहीं क्या क्या ट्राई किया था इसको चिपकाने के, इसका प्लास्टिक मोल्ड कराने की कोशिश की थी, करने की कोशिश की कहती ही कर रहा था घर में खाली बैठे, ठीक हो गया था बट मूवमेंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैंने इधर गमिंग कर दी थी, इसमें गमिंग कर दी थी तो ये मेरी गलती रही, फेविक्विक लगाने के कारण ये आपस में अड़ रहा था तो घूमने नहीं दे रहा था, ऐसे तुम लोग क्या करोगे जानते हो, मैं दिखाना कि क्या था अंदर, तो बेसिकली इतना बड़ा मैकेनिज्म मेरे अंदर, मतलब इतनी बड़ी चीज के अंदर इतना सा मैकेनिज्म था, सोचो